ओके सो ये वीडियो बेसिकली पार्ट टू है जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो भेजी थी, जिसमें हम वीएस कोड को इंस्टॉल किया था, हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था। तो इसमें हम बेसिकली एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, हम सिंपली गूगल में जाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा एनाकोंडा डाउनलोड। ठीक है, मैं सेकेंड वाले लिंक पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो मैं जाऊंगा इसको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको आइडिया देना चाहूंगा कि आप एनाकोंडा जो है ये किस लिए यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है। ये हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एनाको या एनवायरनमेंट से कहें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे पास। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं पाइथन के, आर के, यानी ये स्पेसिफिकली मेड है डेटा साइंस के लिए, यानी ये है ही डेटा साइंस के लिए कोर सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा। इसमें अगर आप इसको यूज करते तो आपको बहुत सारे पाइथन के पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको आर के लिए बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत है। आप ये इंस्टॉल कर ले, आपके पास जुपिटर नोटबुक भी आ गया, आप समझे आपके पास आर भी आ गया, आपके पास स्पाइडर भी आ गया, आपके पास और भी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो जो सॉफ्टवेयर आजकल यूज हो रहे हैं, पॉपुलर है, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ये आपको एक ही इन्वायरमेंट में या एक ही सॉफ्टवेयर में आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है। सो ये डाउनलोड हो जाए। अब मैंने डाउनलोड कर लिया, तो मेरे पास डाउनलोड्स के फोल्डर में एनाकोंडा का जो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो मेरे पास आ गई है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, डबल क्लिक किया मैंने इसको, तो ये अब सेटअप आ गया। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आई एग्री जस्ट फॉर मी, जो भी आप फोल्डर अगर आप कोई और देना चाहें आप वो इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे सी के यूजर्स में जाएगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे बस इसको फिलहाल ऊपर वाले को क्लिक नहीं करता मैं, यहाँ पे इंस्टॉल पे मैं करूंगा तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सो अब आप यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल्स वगैरह है अगर आप देखना चाहें तो आपका फायदा ही, आप इसे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे इसके मुतालिक में। तो अभी मुझे इसकी इतनी जरूरत नहीं है ट्यूटोरियल की, तो मैं क्या करूंगा फिनिश पे जाऊंगा और ये आपको फिर और चीजें सजेस्ट करेगा। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर एनाकोंडा न्यूक्लियस के लिए भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, तो उसमें आपको फायदा ये है कि उसमें अगर कोई उसमें आप एक और कम्युनिटी के अंदर इन हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें ये कि आपके पास कोई सेमिनार होगा, वेबिनार होगा, उसके लिए आपको ईमेल देंगे, आप उसमें शिरकत कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहें। तो अब यहां पर देखें आपके पास क्या आ गया, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ गया और साथ में एनाकोंडा नेविगेटर भी आ गया। तो मैंने अभी प्रॉम्प्ट पे नहीं जाना, मैं अभी सिंपली क्या करूंगा नेविगेटर पे क्लिक करूंगा। ये फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने। अच्छा, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि एनाकोंडा जो है ये तमाम चीजों को एक जगह पर लेके आता है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जैसे जुपिटर नोटबुक जो हम यूज करेंगे, वीएस कोड भी है, आप स्पाइडर भी यूज कर सकते हैं, पाईचार्म भी, लेकिन हम जो हमारा फोकस किस पे ज्यादा रहेगा, हमारा फोकस रहेगा जुपिटर पे और वीएस कोड पे, और आर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो डेटा साइंस के लिए। तो उस मतलब ये कि ये सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज एक जगह में आपके लिए ले आया है, तो ये एक बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है डेटा साइंस के लिए। सो मैं अब सिंपली क्या करूंगा, जुपिटर नोटबुक पे लॉन्च पे क्लिक करूंगा, तो ये जैसे ही लॉन्च होगा
तो मेरे ब्राउजर के ऑप्शन मांगेगा मुझसे। जैसे मुझे कह रहा है कि आप ये यूज, मैं तो लाइक चूंकि हमेशा गूगल भी यूज करता हूँ, तो मैं इस पे करके ओके कर दूंगा गूगल को। अब आप देखें यहाँ पर, ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि ये आपके सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक आपके जो आपका जो हार्ड डिस्क है या आपकी जो SSD है उसके अंदर पड़ा हुआ है, और ये ऑनलाइन उससे एक्सेस होगा क्योंकि आप जुपिटर नोटबुक को ऑनलाइन यूज करते हैं। और इसमें फोल्डर्स का भी वही पैटर्न है जो एग्जैक्टली आपके कंप्यूटर का है। मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब आप इस पर थोड़ा फोकस करें और यहाँ पे देखिए, देखिए 3D ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक मिनट। अच्छा, तो ये जो है एग्जैक्टली आपके लोकल होस्ट वाली बात जो मेरी की, बिल्कुल उससे मैच करता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके लिए 3D ऑब्जेक्ट्स है, फिर एनाकोंडा कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड फेवरेट लिंक्स, ये जिस फोल्डर जिस पैटर्न में पड़े हुए हैं ना, ये जो आपका जुपिटर, ये भी देखिए एग्जैक्टली उसी तरह ऑब्जेक्ट दिस 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 बिल्कुल उसी पैटर्न में आपके लिए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम यहाँ पे न्यू फोल्डर कर सकते हैं, या हम अपने कंप्यूटर में भी न्यू फोल्डर डालेंगे तो वो भी इधर आ जाएगा। तो मैं कंप्यूटर से आपको पहले करके दिखाता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, मैंने लिख दिया पाइथन 12 कोंडा, मतलब एनाकोंडा वाला कोंडा के टर्मिन्स। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपने लोकल होस्ट में, तो यहाँ पे भी वो आ गया। और या फिर ये कि आप यहाँ से भी न्यू कर सकते, न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड फोल्डर आ गया। अच्छा, तो अब मेरे पास ये जैसे मैंने वो फोल्डर बनाया, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको रीनेम करूंगा, मैं कहता हूँ लाइक ऑनलाइन मेड, मैं इसको सिर्फ ऐसे ही नाम देता हूँ ऑनलाइन मेड, मैंने इसका नाम लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चले ये जो है मैंने ऑनलाइन बनाया। तो अब मैं अब बैक जाऊंगा, देखें ऑनलाइन मेड के नाम से एक फोल्डर आ गया। तो आप यहाँ से भी फोल्डर बनाएंगे तो वो उधर अपडेट हो जाएगा, वहां भी बनाएंगे तो ये इधर अपडेट हो जाएगा। तो ये इसका बड़ा फायदा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पाइथन दोबारा कोंडा के अंदर जाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, अब न्यू मेरे पास, अब मैं इसके चाहूँ तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ फोल्डर बना सकता हूँ। या मैं फिलहाल आप लोगों को सैंपल दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ Python 3 IPY kernel। IPY kernel क्या होता है, बस ये जो भी आप कोड लिखते हैं ना, इसको जो रीड करता है और समझ के एक आउटपुट देता है, वो कर्नल का काम होता है बस यहाँ पे। तो मैंने इस पर क्लिक किया कि मुझे इस फोल्डर के अंदर एक पाइथन की फाइल बना के दो, तो ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास यूएस कोड की .py फाइल थी तो हम इस पे आए क्यों हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो py फाइल है ना, उसमें ये है ना कि उसकी मिसाल ऐसे कि एक पेज की तरह आपको सारा काम उसी पेज पे करना है, ठीक है। आपके पास लाइक आपने जो भी करना है वो एक पेज पे करना है, जब वो रन होगा तो पूरा ही पेज रन होगा। अब सपोज आपके, मैं ऐसी मिसाल देता हूँ, एक मतलब एक 500 लाइंस का कोड है, इससे भी ज्यादा 10,000 लाइंस का कोड होते हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको पूरी टीम्स बनाती हैं, वो बहुत बड़े जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें इतनी ज्यादा कोडिंग होती है। तो अब वो अगर मैं ऐसी मिसाल के तौर पर बात करता हूँ, अगर वो 10,000 लाइंस का कोई कोड देखे तो उस पर तो किसी को समझ ही नहीं आएगी। तो जुपिटर नोटबुक क्या करता है, ये आपके लिए चंक्स में ले आता है। आप क्या करते हैं, हर चीज को चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसकी हेडिंग्स आप इसमें डाल सकते हैं, तो वो एक कोड ऐसी फॉर्म में आ जाता है ना कि वो जो कोडर होता है उसके लिए भी समझना आसान होता है, अगर कोई मेंटेनेंस की टीम है तो उसके लिए भी आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, इसमें हम जुपिटर नोटबुक को यूज इसी वजह से किया जाता है। मैं खुद पर्सनली अपना मैक्सिमम काम सारा नोटबुक पे करता हूँ इंस्टेड ऑफ py फाइल, एक्सेप्ट अगर कोई और चीज लाइक मुझे कोई डैशबोर्ड वगैरह इस पे नहीं बनते, लेकिन वो उसके लिए py फाइल चाहिए होती है। तो
बात ये है कि ये बहुत उससे बेहतर है एज कम्पेयर टू पी वाई फाइल की। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास फाइल है, मैं चाहूँ तो अपने लिए एक न्यू नोटबुक बना सकता हूँ। मैं यूँ क्लिक करूंगा, एक और न्यू नोटबुक आ जाएगी, मैं इधर ही बनाना चाहता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं बनाना चाहता इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। और ये कि आप ओपन कर सकते हैं, आपने सपोज कोई पहले से एक सपोज 2 दिन पहले 3 दिन पहले 1 घंटा पहले कोई कोड अपना बना के सेव किया था जुपिटर नोटबुक की फाइल में। ठीक है, ये नोटबुक किसकी फाइल को नोटबुक कहते हैं, जुपिटर नोटबुक की फाइल में अगर आपने उसको सेव किया था, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, आप उसको ओपन आप उसकी कॉपी बनाना सेव करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, लाइक डाउनलोड करना चाहते हैं, ये काम क्या, देखें HTML में कर सकते हैं। लाइक आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप उसको किस देखें, आप डायरेक्ट .py में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है एडिट में, ये कि आपने कोई सेल कट करना है तो आप X पे जाएंगे, कॉपी करना है C पे जाएंगे। ठीक है, अबव पेस्ट करना है V पे। लाइक इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, डिलीट करना है तो इस पे जाना है, मर्ज दो सेल्स को मिक्स करना है। अब ये सेल क्या होता है, सबसे पहले ये जो एक चीज है ना, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो भी कोडिंग करेंगे वो इसी में ही आएगी। मिसाल तौर पर मैं लिखता हूँ, तो बेसिकली सेल क्या होता है हमारे पास, सेल वो एक छोटा पोर्शन होता है, ये बड़ा भी आप मतलब आप इसमें जितना कोड डालें आपकी मर्जी, एक वो पोर्शन होता है स्पेसिफिक जिसमें आप कोड करते हैं। मिसाल तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 19 मैंने लिख दिया, फिर मैंने लिखा B इज इक्वल टू 11 मैंने कर दिया, और मैं फिर लिखता हूँ C इज इक्वल टू A प्लस B, और फिर मैंने लिखा C। तो ठीक है, ये अब इस सेल के अंदर मेरे पास चीजें आ गई, मतलब जो चीजें मैं डालूंगा इस सेल में हमारे पास एट द इंस्टेंस इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर पी वाई फाइल होगी तो क्या होगा, जितना कोड मैंने डाला होगा, लाइक वो जितना भी बड़ा कोड हो वो इकट्ठा रन होगा, इसमें मैं चंक्स में कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मैंने जिस वक्त एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा था कि आपने कोई सेल को कट करना हो तो ये करें, कॉपी करना हो तो ये करें। अब मैं यहाँ पे एक्स सपोज करता हूँ तो मेरे पास तो नहीं हो रहा, या मैं डी करता हूँ तो मेरे पास तो डिलीट नहीं हो रहा सेल, तो इसका क्या मतलब है। असल में जब आप इस बार के अंदर ये जो ब्लिंक कर रही है लाइन, जब ये इस मूड में होते हैं, इसको एडिट मूड कहते हैं, यानी आप अभी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसमें वो कमांड्स काम नहीं कर सकती। जब आप यहाँ पे आते हैं सेल पे क्लिक करते हैं, तब वो आपकी जो कमांड्स हैं वो काम करती हैं एडिट वाली। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कट सेल करना है तो एक्स, कॉपी सेल करना है, डिलीट सेल करना है तो डी दो मरतबा। तो मैं सपोज इस सेल को कट करना चाहती हूँ, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने डी दबाया दो मरतबा, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं एक सपोज न्यू सेल डालना चाहता हूँ, तो उसका शॉर्टकट हमारे पास क्या है, सिंपली हमें दिया हुआ है कि मैं ए से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। आपके पास मुख्तलिफ इसमें शॉर्टकट्स भी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कीबोर्ड हेल्प में, आपने क्या करना है, हेल्प पे जाना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ शॉर्टकट्स हैं। आप इसको एक मरतबा पढ़ लें, आपके लिए ईजी होगा। अब मिसाल तौर पे मैंने जब इसको रन किया था तो मैंने इसके लिए शिफ्ट और इंटर प्रेस, अगर मैं शिफ्ट और इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि वो रन भी हो जाएगा और न्यू सेल आएगा। मिसाल तौर पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैं लिखता हूँ अली। ठीक है, मैं दबाया शिफ्ट इंटर, जब मैंने शिफ्ट और इंटर दबाया तो वो सेल भी रन हो गया और उसके बाद नया सेल भी आ गया। अब मैं दोबारा यही काम करता हूँ, मैं इस दफा ऐसा करता हूँ, सिर्फ इस दफा मैं सिर्फ कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ स्पेसिफिक सेल इंटर होगा, नया सेल नहीं बनेगा। शिफ्ट और इंटर दबाएंगे तो वो सेल भी रन होगा, नया सेल भी बनेगा, और अगर आप कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो आपके पास जो करंट सेल है वो रन होगा सिर्फ। ठीक है, ये वही इंसर्ट सेल अबव, इंसर्ट सेल बिलो, तो बी। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे ए करूंगा तो अबव हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके बी कर रहा हूँ तो बिलो, ए से अबव बी से बिलो। ठीक है, सेल अब यहाँ पे सेल के रन सेल के लिए लिखा है, सिर्फ वही जो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल इंटर करना है, रन सेल एंड सेलेक्ट बिलो नीचे जाना है तो शिफ्ट इंटर, रन सेल्स एंड इंसर्ट बिलो, ओके, इसके लिए ऑल्ट प्लस ऑल्ट और इंटर है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे करता हूँ और लिखता हूँ ऑल्ट इंटर, ठीक है, तो ये क्या होगा, वो वाला रन भी करेगा और न्यू सेल के अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ, ये ऐसे है कि जैसे मैंने
शिफ्ट एंटर किया तो मेरे पास करंट सेल रन हो जाता है, लेकिन वो न्यू सेल के अंदर एडिट मोड में नहीं जाता। यहाँ पे ऑल्ट एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास जो है वो करंट सेल रन भी होगा और न्यू सेल के अंदर वो एडिट मोड के अंदर चल रही। तो ये बस ऐसी सिंपल से है बहुत, इसमें ये कर्नल है। अगर फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है या बहुत हैवी होता है या उसमें कोई मसला आ जाता है या वो इनफाइनाइट लूप आपने उस पर लगा लिया होता है ऐसा कि बस वो रन, आप उसको एक घंटा भी रन करते जाएंगे वो रुकेगा नहीं, या एक घंटा क्या 10 घंटे भी करें तो वो इनफाइनाइट समटाइम्स लूप बन जाता है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कर्नल को इंटरप्ट कर देना है या आप उसे रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, अब मैं रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट आप लोगों के सामने करूँ तो यहाँ पे देखें रिस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट्स, तो जितने आउटपुट्स थे एक मिनट वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसी तरह रिस्टार्ट एंड रन ऑल, अब मैं कहता हूँ कि भाई सारे दोबारा रिस्टार्ट करें कर्नल को मेरे लिए और सारे दोबारा रन करें, तो मैं अब इस पर करूँगा तो थोड़ी देर में ये रिस्टार्ट होके ये आपके सामने दोबारा रीरन हो गया। ठीक है, अब इस तरह रिकनेक्ट करना है, शट डाउन लाइक मुख्तलिफ है। अब आप चेंज करना चाहते हैं कोई और, अब आप चेंज करना चाहते हैं कोई और कर्नल वगैरह, और इसके अलावा विजेट्स नहीं, ये आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी लाइक इनफ है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप ये पढ़ना चाहें इट्स अप टू यू। और ये है आपके पास सेफ का बटन, ये जो फ्लॉपी डिस्क, हालांकि मुझे समझ नहीं आती फ्लॉपी डिस्क तो बहुत पुरानी चीज़ है, उन्होंने अभी भी सेफ के लिए फ्लॉपी डिस्क का आइकन रखा हुआ है, चले कोई वो नहीं है। तो ये बेसिकली हमारी जुपिटर नोटबुक थी, और इसमें हमें ये फ़ायदा है कि हम अपने कोड को बहुत नीट कर लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह नीट आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैं इसको कैसे नीट कर रहा हूँ, अब मैंने आप लिखा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये मेरे पास कौन सेल की क्या टाइप है, ये कोड टाइप है। मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे मार्क डाउन बना दो इसको, तो अब आप इसको देखिए, मैं इसको शिफ्ट इंटर करूंगा तो ये देखें अब आपके पास ये हेडिंग बन गई है। अब मैं चाहता हूँ, अब जैसे हमें पता है कि अबव सेल इंटर करने के लिए ए दबाएं, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो है कोड के बजाय मेरे पास आ जाए मार्क डाउन में। मैं इसे कहता हूँ कि लाइक दो उदाहरण प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के सपोज मैंने इसको प्रिंटिंग की हेडिंग दे दी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है आप देखिए, चंक्स में कोड आ रहा है और हेडिंग्स उसके ऊपर आ रही है। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इसलिए शायद आपको जब हमारे पास बड़े बड़े लाइक हम कोई प्रिडिक्शन सिस्टम्स बनाएंगे या वो, तो उसमें हमें ये बहुत फायदा देगा कि हर चीज़ का अलग अलग कोड होगा। मिसाल तौर पे मैं लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर जिस तरह मैंने यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखा है उधर मैं लिख दूंगा इम्पोर्टिंग लाइब्रेरीज, या जिस वक्त मैं आउटलायर रिमूव कर रहा हूँ तो उस कोड के ऊपर मैं हेडिंग दे दूंगा आउटलायर रिमूवल। फिर जिस वक्त मैं लाइक डेटा ऑगमेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं डेटा ऑगमेंटेशन उस सेल के ऊपर डेटा ऑगमेंटेशन की हेडिंग लगा दूंगा। फिर जिस वक्त मैं कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम की प्रिडिक्शन करूंगा सपोज रैंडम फॉरेस्ट से या KNN से या किसी से भी, तो उसकी मैं स्पेसिफिक हेडिंग्स लगा दूंगा उस पर, तो वो क्या होगा मेरे लिए रीड करने पे बहुत आसान होगा। अब इसके बजाय अगर मैं सारा काम PY फाइल में करूँ तो वो एक ही पेज में ये सारे मतलब इम्पोर्टिंग लाइब्रेरीज हो गया, ये आउटलायर रिमूवल करना, वो सब एक ही पेज में आ जाएगा, तो वो सही लाइक उसमें बनता भी नहीं है और बाज़ जगहों पे एरर भी वो दे देता है। तो उसके लिए डेटा विजुलाइजेशन और इसके लिए ये जुपिटर नोटबुक बेस्ट है। तो आई होप आप लोगों को जुपिटर नोटबुक की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ अभी नहीं आई या कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप मुझे लाइक बता सकते हैं कि इसमें क्या मसला है लाइक, तो मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करूँगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। और ये हमारे दो बेसिक सॉफ्टवेयर थे जो हम यूज़ करेंगे इस चिल्ला में, तो ये ज़रूर आपके पास होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।